नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुजन खबर भारत को सब्सक्राइब करें एवं उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय भीम, बैठ जाओ, मर्जी ने जाना हो चले जाओ, जिसे ने जाना हो चले जाओ, जरूरत भी नहीं थारी, अर्जी ने बैठना बैठ जाओ, जिसने जाना है चले जाओ, ठीक है, जरूरत नहीं है जो ना सुनने वाले लोग है ना, जिसने बैठना हो बैठ जाओ, दूसरे ने डिस्टर्ब मत करो। वो एक बार प्रौढ़ शिक्षा शुरू हुई थी हरियाणा में है ना, अनपढ़ लुगाइया ने कुछ नहीं को आए थे, वो पढ़ाया करती, तो जब वो पढ़ाया इतना बुढ़िया क्या किया, हमारी फिर बहू ने खराब करेगी या पठान खराब पड़ी, तो जो यहाँ बैठी रहेगी ना, हो सकता तुम खराब हो जाओ भाई, सही बात सीख जाओ, जिन्हें ना सीखने अपने घर चले जाओ, और जिन्हें सीखनी हो बैठ जाओ। बहुत सारी बातें आप लोगों ने बता दी और भी सुनोगे है ना, हमारी समस्या क्या होती है अपने प्रोग्राम में, वो लंबे बहुत चलते हैं है ना, मास्टर जी की बात दूसरी तो गाने ने काट दी, मेरी पढ़ाई कुछ और ने काट देगा, उसकी लिखाई कोई और काट देगा, जाकर मैं सोगे तरक्की है ना। तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को, और जिस व्यक्ति ने आज पूरे देश में जय भीम हो रहा है, जिस व्यक्ति की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं, माननीय साहब काशीराम को नमन करता हूँ, क्योंकि मैं साहब काशीराम से बड़ा नेता नहीं मानता किसी को इस धरती पर, मनोहर साहब काशीराम से बड़ा नेता कोई नहीं हुआ, सम्मानित मंच और जो परिवार के सदस्य यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और विशेषकर हम जब प्रोग्रामों में आते हैं मास्टर जी और हम लोग, हम महिलाओं को समझाने आते हैं, घर की जो हमारी बहन बेटियां चाची ताई है, इनको समझाने आता हूँ, चाहे तो तड़की मिलेगी ताई रहने देने रख ले, चाहे तड़की मिले, हम लोग आप लोग समझाने आते हैं, ये सारी बातें भूल जाएंगे घर बेकार में चले जाएंगे घर, आप लोग जो रुक जाओ चाहे तो रहने दो, पूरा देश देख रहा आप लोगों को है ना। बहुत सारी बातें मेरे से पहले वक्ताओं ने कही आपसे, मेरा लड़का एडमिट है लेकिन मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत सारे अपने बच्चे खो दिए जब हम लोग इस लायक बने कि यहाँ बैठ सके, फर्क नहीं पड़ता औलाद कैसी है, क्या रिश्तेदार कैसे हैं, आज जो माहौल है इस देश में, आज जो देश में माहौल है, ओ भाई लीली कभी जाड़े बैठ जा, ओ भैया बैठ जा ना, अपनी घर ले जा भाई है ना, उन्हें बतवा लिया छुट्टी यार, आज जो देश में माहौल है, बहुत महापुरुषों ने कुर्बानियां दी हैं, इसलिए आज तुम्हारी चर्चा हो रही है इस देश में, और ये जो हरियाणा है बहुत लोगों को बुरी बात लगती है, मैं भी सोनीपत का हूं और सोनीपत और रोहतक के आदमी को समझते हो आप कैसे होते हैं है ना, हंसने लग गए सारे के सारे थोड़े कड़वे होते हैं लेकिन दिल के अच्छे होते हैं है ना, बहुत सारे लोग हैं राजनीति में, अभी मैं जब आ रहा था तो एक साथी में गया था रास्ते में गन्नौर में, वहां कृष्ण वेदी आया हुआ था जी, जब उसको पता चला संदीप आ रहा वो चला गया पहले, अब पता नहीं क्यों चला गया, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कुत्ते जो राजनीति में बैठे हैं आपके, वो आपके समाज के लोग नहीं है, आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी है इस देश में, सबसे पहली लड़ाई जो प्रथम विश्व युद्ध था वो हमारे पूर्वजों ने लड़ा, सम्राट अशोक ने कलिंगा का युद्ध लड़ा था, आप लोगों ने विजय प्राप्त की थी, दूसरा सबसे बड़ा युद्ध हमने कोरेगांव में लड़ा था, 500 महारों ने चमारों ने इतने सारे पेशवाओं को हराया, और तीसरा जो ऐतिहासिक आधुनिक बाबा साहब अम्बेडकर वाद वाला युग जो था, ये जो चल रहा है 2 अप्रैल 2018 आप लोगों ने लड़ा पूरी दुनिया में, लेकिन आप लोग सारी बातें भूल जाते हो, इस प्रदेश के प्रभारी रहे थे मानसिंह मनेड़ा जी बसपा के, और उनके समय में 17% वोट गया था पीएसपी का इस प्रदेश का, और वो एक बात कहते थे कि भाई सबसे आसान होता साले को समझाना, रिश्तेदारों को समझाना, कि उसकी बेबे खुश रखनी है तो उन्हें अपनी जिंदा की बात माननी पड़ेगी है ना, सबसे आसान होता है रिश्तेदार को समझाना, सारे के सारे अपने अपने साले में समझा दो फिर कोई साला नहीं बचेगा, सरकार हमारी आ जाएगी, लेकिन हम लोग जो ना उल्टा करते हैं, रिश्तेदारी निभाने लग जाते हैं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर रिश्तेदारी निभाते, परिवार निभाते तो तुम्हारा क्या हाल होता तुम सोच लो, अगर माननीय साहब काशीराम अपना
परिवार की बातें और रिश्तेदार की बातें तो तुम्हारा क्या हाल होता तुम समझ लो, और बहन कुमारी माया की भी गर्व सा लेती तो तुम्हारे पास आप कोई नेता ना होता, तुम्हारे हालात इस देश के हालात ठीक नहीं है। इस देश में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा। जब कोई हमारे जैसा साफ सुथरा दलित शकल से नहीं लगते लेकिन किसी फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठते हैं या एरोप्लेन में बैठते हैं और हमारे फोन पे फोन आता है और हम बदले में जो ऋण कहते हैं तो पड़ोस की सवारियों के चेहरे की झुर्रियां बताते हैं इस देश के हालात क्या है, ये समझना पड़ेगा। और ये जो लोग फर्जी समाजवादी है सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं मुसलमान भाइयों के लिए कहते हैं कि मुसलमान विदेशी है पाकिस्तानी है, टिकट लेकर रखते पाकिस्तान चले जाओ, इस देश में रहना तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, जरूर पहनना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा। अरे मैं बताना चाहता हूँ ये देश जो है जितनी शहादत हिंदुओं ने दी है मुसलमानों ने दी है दलितों ने पिछड़ों ने दी है सबने बराबर शहादत दी है। अगर भगत सिंह शहीद हुआ तो अशफाकुल्ला खान भी शहीद हो, तुम्हारे बाप का देश नहीं है ये आरएसएस वालों, और एक भी आरएसएस वाला देश की आजादी की लड़ाई में नहीं था। हम लोग ठीक है थोड़ा बहुत मान देते हैं गांधी ने थोड़ा बहुत कुछ करा होगा लेकिन गोडसे को हम लोग नहीं मानते है ना। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के लोग हैं जो इंसान को इंसान समझता है, और हम तो कितने सूक्ष्म लोग हैं कितने अत्याचार बर्दाश्त करके इस देश में जिंदा रहे और फिर भी हम लोगों से जो है ना राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। मुसलमान जो है मुसलमानों के लिए लोग कहते हैं मुसलमान बाय चांस इंडिया नहीं है, बाय डिफॉल्ट इंडिया नहीं है, मुसलमान बाय चॉइस इंडियन है। उन लोगों ने देश को चुना जब बंटवारा हुआ तो इस देश को लोग, और ये लोग जो बाहर से आए थे ना ये कभी गुलाम थे ना ये आज गुलाम है, ये तो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे। सत्ता स्थानांतरण हुई थी, सत्ता बदली थी, अंग्रेजों के हाथ से चाचा के हाथ में चली गई थी। ये जो नेहरू टाइप के लोग हैं और ये जो ब्राह्मण बुनिया ठाकुर उनके हाथ में चली गई। लोग मुझे कहते श्री मनवादी कहा करो फलाना कहा करो, मैं सीधा ब्राह्मण बुनिया ठाकुर कहता हूँ, और कोई बैठा तो चला जाओ बहुत बुरी तरह उतारने वाला तुम्हारी। मैं नहीं भाई, मैं ना मुकदमा का डरता मैं किसी चीज से नहीं डरता। हम लोगों ने देखा है गांव में रहा हूं मैं, दसवीं क्लास मैंने गांव से किया है, मेरा सड़क पर गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में खानपुर के पास, और दसवीं तक गांव में पढ़े, अपनी माँ के साथ गोपर गिरा है, देखा हम लोगों ने गोपर में पांच दास दास के स्कूल में गए बाल रहते में गए। और ये जो मास्टर जी ने बताया कि कपड़े काफ में ले जाते हैं, हमारे बुजुर्ग कितनी भी तगड़ी धूप हो सामने से कोई समझाती का आदमी आएगा अपनी जूती काट के काखा तला दे लिया करते थे जाएगा। इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया, कहते मुसलमान हमारे दुश्मन है, अरे मुसलमानों ने तो हमेशा आपका साथ दिया, बाबा साहब अम्बेडकर का मुसलमानों ने साथ दिया, सावित्रीबाई फुले का मुसलमानों ने साथ दिया, मुसलमानों का जब जब आप लोगों ने पुकारा है आपके साथ खड़े उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनवाई आप लोगों, आप लोगों ने सरकार चार चार बार उस इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाई है कुमारी माया, और वो कोई साधारण महिला नहीं है, साधारण महिला नहीं है। जब किस इतने सारे लोग बैठे आप आसलात वाले लोग हो, अगर किसी की छोरी के फोन पर 10 बजे फोन आ जाए ना और उसका माँ बाप सुनने के लड़की बात कर रही किससे तो उस बाप का ना जीना हराम हो जाता है, वो सोचता है इसके पीड़े हाथ कितने जल्दी कर दूं। और एक बेटी रात के 2 बजे तुम्हारे समाज के लिए घर छोड़ के मान्य साहब का श्रीराम के सानिध्य में जाती है और तुम लोग कहते हो मायावती, मायावती को चिड़िया नहीं है, मायावती आज एक ऐसी शक्ति है बहन कुमारी मायावती जिससे मोदी डरता है, जिससे राहुल गांधी डरता है, जिससे केजरीवाल डरता है। लाला जी ने एक बात कही, लाला जी ने एक बात कही कि भाई मेरी वजह से विधायक बने सारे के सारे, लाला जी जो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, मैंने कहा लाला जी गलतफहमी में आप, हम तेरी वजह से विधायक नहीं बने, हम कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से विधायक बने, और तू भी शुक्र मना बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में संविधान दे दिया डेमोक्रेसी दे दी, नहीं तो किसी राज्य के राज में ताकड़ी में डांडी मार रहा था, तेरी औकात रीति राजनीति करने। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हमारी समस्या यह है जब समय आता है तो हम लोग भूल जाते हैं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने मास्टर जी ने बताया कितना बलिदान दिया, और एक मान्यवर साहब काशीराम इन्होंने तो कहानियों में विषम पिता बना रखे हैं, आपके परिवार में आपके सदस्य आपके परिवार के जो बुजुर्ग थे मान्यवर साहब काशीराम कितने महान व्यक्ति थे, मंत्री की लड़की शादी तय रखी थी, जब दीना भाना वाल्मीकि से प्रेरणा लेकर के मान्यवर साहब काशीराम सामाजिक क्रांति का आंदोलन में उतरे तो उन्होंने 5 कसमें खाई थी, अपनी माँ को फोन किया कि माँ मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा,
मैं लौट के घर नहीं आऊंगा, इस देश में मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी और ना मैं किसी के साथी के आयोजन में जाऊंगा, ना किसी के मृत्यु के आयोजन में जाऊंगा। और कितने महान थे हमारे मनोहर साहब कासीराम, उन्होंने अपनी लाश पे से भी अपने घर वालों का अधिकार खत्म कर दिया था। और ये जो तुच्छे लोग हैं जो मिश्र को कमजोर करने का काम करते हैं, वो बैंक के लिए पता नहीं कैसे कैसे उपाय बनाते हैं। इन लोगों से बचना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग आए हैं बीच में, आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रीता हरिता आईएएस आई थी, है ना, बड़ा काशीराम का नाम लेती थी, बड़ा बाबा साहब का नाम लेती थी और जाके सोनिया गांधी की गोदी में बैठ के कांग्रेस ज्वाइन कर। एक और आई थी सावित्रीबाई फुले, हमारी माता का भी नाम बदनाम कर दिया, जाके कांग्रेस की गोदी में। एक राम राजूदित राजा था, है ना, उसका ही पता हाथ का चला। कुछ बच रहे हैं दो चार लफंडर और वो भी चले जाएंगे, लेकिन हमने तो आजीवन कसम खाई है भाई, 5 पैसे का सदस्य नहीं हूं इस पार्टी का, ना कुछ लेने आया ना कुछ मांगने आया। जो हमें बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, जो माननीय साहब काशीराम ने दिया है, मैं तो चाहता हूं कि मेरे गांव का, मेरे देश का, मेरे बहुजन समाज का एक एक बच्चा इस देश का हुक्मरान बने। हमने उसमें जीवन लगाया, उसमें जीवन लगाना। लेकिन आप लोग भूल गए, मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं। एक बार एक राजा शिकार करता करता अपने राज्य की सीमा से बाहर चला गया, तो दूसरे राज्य के सैनिकों ने पकड़ लिया उसको और फांसी का आदेश कर दिया। तो उस राज्य की राजकुमारी देखती, इतना सुंदर युवक इसको मार दिया जाएगा, इसकी जान कैसे बचाऊं। वो जेल में गई कारावास में, उसने कहा कि मैं तेरी जान बचा सकती हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा बता क्या शर्त। उसने कहा कि मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उसने सोचा मैं राजकुमारी या राजकुमारी कर कोई बात नहीं, शादी कर दूंगा लेकिन मेरी जान बचाओ। वो राजकुमारी रात को उसे जेल से भगा के ले आती है और घोड़ों के स्टॉल में चली जाती है। घोड़ों के मालिक से कहती है कि मैं दो घोड़ियां चाहिए, और घोड़ी ऐसी हो तेज तर्रार तूफान से बातें करने वाली, किसी के हाथ ना आए। उसने कहा जी ठीक है। उसने दिखाया घोड़ी, बिल्कुल तंदुरुस्त जवान, और जब बोले तो ही निर्णायक छत पर जाकर लगे। कहता जी ये घोड़ी, उसने पूछा कीमत कितनी इसकी। उसने कहा 50,000 रुपए कीमत। कह रहे जी एक और दिखाओ। एक और घोड़ी, बुजुर्ग सी घोड़ी बैठी थी घोड़ी में। उसने कहा जी ये घोड़ी है। कहता जी इसकी कीमत। कहता इसकी कीमत 1,00,000 रुपए। उसने कहा भाई फर्क समझ में नहीं आया, फर्क तो बता। कहता जी ये जो जवान घोड़ी आप 50,000 कीमत है, इसकी जो नस्ल है ना, ये ऐसी घोड़ी है तेज तर्रार तूफान से बातें करती है, लेकिन इसने कभी किसी सवार को मंजिल तक नहीं पहुंचा। इसकी माँ भी ऐसी थी और इसकी दादी भी ऐसी थी, इनकी नस्ल ऐसी है। और ये जो बुजुर्ग घोड़ी है, तूफान आ जाए, गोली लग जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी जल्द आ जाए, सवार को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। इसकी माँ भी ऐसी थी, इसकी दादी भी ऐसी थी। तो ये नस्लों की बात है। आप लोग अम्बेडकर की नस्ल हो, मनोहर साहब काशीराम की नस्ल हो, अशोक सम्राट की नस्ल हो, तुम लोग अपना इतिहास भूल के बात, तो अपना इतिहास याद रखो। और ये जो भगवादारी है कच्छे वाले, ये कहते ना कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, मोहन भागवत ने कहा था कि देश की आर्मी वो नहीं कर सकती, 10 दिन दे दो हमारे सस्ते लोग कर देंगे। हमने तो अप्रैल में एक छोटा सा मजाक किया था, इनकी धोतियां गीली होगी थी, जिस दिन मजाक के मोड से बाहर निकल गए इनको पता चल जाएगा। अरे हम उन फैमिलियों से हैं जो मरे मरे जानवर की खाल उतारना जानते हैं और उसकी जूती बनाना जानते हैं, और जब कोई चापड़ जाए तो उसके सिर पर बजाना जानते हैं। हम लोग उस फैमिली से, हम लोग भूल गए अपना इतिहास। और ये कहते ना कि हम ये कर देंगे, मैं कहता 5 दिन की हुकूमत में इतना गरूर, 5 दिन की हुकूमत में इतना गरूर, हम तो सदियों से सुल्तान है, हम अशोक की संतान है, हम अशोक की संतान, हम भूल गए अपना इतिहास। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये दौर कौन सा चल रहा है। ये सारे हथकंडे अपनाएंगे, शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगे। मेरी विधानसभा में गायक भेज दिया, वो कहता जी मैं वाल्मीकि हूँ। पहले उनका पता ही नहीं था मिक्का का वाल्मीकि है, दलेर मेहंदी वाल्मीकि है, हंसराज हंसर वाल्मीकि, पहले पता ही नहीं था। किसी ने पता था पहले? 5-6 साल पहले पता था। लेकिन आज जो जितने समाज के दलाल है सब नियुक्त क्यों दिए गए हैं, मैं बताऊं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। मेरे पिताजी फौज में नौकरी करते थे और जब 2 महीने की छुट्टी आते थे मानव साहब काशीराम के साथ रहते थे। जब मैंने रामलीला मैदान में शपथ ली, दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटर जीता था मैं, मंत्री बना रामलीला मैदान में शपथ ली, अपने घर पे बैठे थे शाम को, मेरे बाप की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा पिताजी आप तो खुश होना चाहिए, आपको आपका बेटा नौकरी लगाने वाला बन गया, राजनीति में आ गए, दिल्ली के मालिक बन गए। मेरे बाप ने कहा बह मैं तुम्हारे भाई, आज तुम जो ना समाज के नियुक्त दलाल नियुक्त किए गए हो और तुम मेरा बेटा, दलाली की जिम्मेदारी हमारी पार्टी ने आपको दे दी, दलाली मत करना इस समाज। जितने भी लोग हैं ये समाज के लोग नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तौर बना दिया, सहजा भी लड़ा दी,
सारे कितने लोग हैं जगजीवन राम बीस सदी से पैदा हुआ, कोई ना आप जानता उसकी जन्मतिथि क्या है, कोई जानता उसकी मृत्यु डेट क्या है, लेकिन साहब काशी राव बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा ना इनका नाम रहेगा। ये वो लोग